शिरोमणि नारद और मेरा को बताया और ज्ञान में शिरोमणि सरस्वती को बताया। सरस्वती इस बात में शिरोमणि तो ब्रह्मा और प्रजापिता ब्रह्मा को
क्यों नहीं होता, मजाक बात है। ब्रह्मा की बुद्धि चलती थी क्या हमें? जितना शिव बोलते थे उनके मुख से उतना ही था। कुछ विचार सागर मंथन ब्रह्मा की आत्मा करती थी या सरस्वती करती थी? ज्ञान के कोई भी पॉइंट को लेकर के अनुभव में विस्तार करना ये ब्रह्मा की आत्मा का काम था या सरस्वती का काम था? सरस्वती का था, इसलिए सरस्वती का गायन है ज्ञान में। ज्ञान की देवी, विद्या की देवी। पशुराज पशुओं का राजा है। क्या विशेषता होती? जंगल में दहाड़ मारता है तो सारे पशु जो है वो दहल जाते हैं, इसलिए निशानी दिखाई है तीन पशुओं की अशोक की लाट में। जो स्टाम्प पेपर बनाया जाता है उसमें भी तीन शेर दिखाए जाते हैं। संसार रूपी जंगल में ज्ञान की दहाड़ ऐसी मारते हैं कि कोई इनका मुकाबला नहीं करता है। सामने आकर इसलिए शेर सब पशुओं का राजा कहा जाता है। बाबा बेटा ने बोला अंत में परमधाम को काका छुट्टी पर उतर लेंगे तो बोलो बोलो तो बोला कि अंत में परमधाम को काका छुट्टी पर उतर लेंगे तो और क्या सुप्रे तो सुप्रीम कोर्ट परम धाम चले जाएंगे तो निराकारी स्टेज साकारी दुनिया में साकार शरीर से बनाएंगे या ऊपर जाकर के बनाएंगे? है साकारी तन के द्वारा बनाएंगे तो साकार को ऐसा वायुमंडल भी क्रिएट करना पड़े जिस वायुमंडल में सात संगठित रूप से निराकारी स्टेज में स्थिर हो जाए और उस संगठन में आने मात्र से ही लोगों की निराकारी स्टेज बनने लगी। मन संकल्प विकल्पों से मुक्त हो जाए ऐसा अनुभव आने लगे। जो गायन है पारसनाथ, पारस पत्थर को लोहे में स्पर्श करने से सोना बन जाता है। ऐसा कोई पारस पत्थर होता नहीं, पास में रहने की बात है। और बाबा मुरली ने बोला मुरली में ब्रह्मा फोटो नहीं रखना चाहिए, त्रिमूर्ति ब्रह्मा फोटो नहीं रखना चाहिए। तो त्रिमूर्ति में तो ब्रह्मा फोटो है, उसमें दोष नहीं लगता। इसीलिए मुरली में बताया है कि त्रिमूर्ति में, झाड़ में, लक्ष्मी नारायण के चित्र में, सीढ़ी में समझाने के लिए तो ब्रह्मा का चित्र है ही, परंतु अलग से रखने की कोई दरकार नहीं है। बाबा ये आकाश पत्र क्या है? अकाल माने जिसको काल न खा सके। नहीं आकाश पत्र जो पांच तत्वों से ये शरीर बना है ना, आकाश पोलार को कहा जाता है। पोलार अति सूक्ष्म से सूक्ष्म भी है और सबसे जास्ती विशाल रूप भी धारण कर लेता है।
इस आकाश तत्व में पांच ओली तत्व निवास करते हैं। जो भी सूरज चांद सितारे हैं वो सब आकाश के अंदर है। जैसे बीज के अंदर सारा वृक्ष समाया हुआ होता है, ऐसे ही आकाश तत्व के अंदर सारी शक्ति समाई हुई है। इसलिए शास्त्रों में आकाश को जावा के रूप में बोला है। आकाश और पृथ्वी, पृथ्वी माता है और आकाश अर्थात द्युलोक पिता है। माता आधार है, और काम देनु गाई कौन है जो सब मनोकामनाएं पूर्ण करती है उसको कामधेनु गाय कहा गया है। लक्ष्मी सिर्फ धन की आशा पूरी करती है और कामधेनु सभी कामनाओं की पूर्ति करती है, वो है जगदम्बा। जगदम्बा से सब कामनाओं की पूर्ति होती है। अभी बनना है इच्छा मात्र अविद्या, परंतु कोई कोई है जो कामनाओं की पूर्ति में लगे हुए हैं, तो उनके अनेक प्रकार की कामनाओं की पूर्ति करने वाली देवी कौन है? हैं? जगदम्बा। वो जगत की अम्बा है, जगत में देवात्माएं भी हैं, मनुष्य भी हैं और दैत्य आत्माएं भी हैं। सब धर्मों को जन्म देने वाली है जगदम्बा। और बाबा एक प्रतिबंध से बनने से सारी दुनिया प्रतिबंध बन जाती है, बीज सुधरने से सारी इच्छा सुधर जाता है। एक कौन है और ये जो बीज, ये बीज कौन है? इस एक के लिए सारा ब्राह्मण परिवार का पुरुषार्थ रुका हुआ है। वो एक की बुद्धि में जब तक नहीं बैठेगा कि गीता का भगवान कौन, तब तक पक्का पक्का कोई की बुद्धि में ज्ञान पूरा नहीं बैठेगा। भले बाप तो है ही ज्ञान का सागर और वो प्रैक्टिकल में आया हुआ है, परंतु बाप अकेला वापस नहीं जाएगा। बाप तो है ही संपूर्ण, परंतु बच्चों को संपूर्ण बनाने के लिए आया हुआ है। पहले बच्चे फिर बाप। सृष्टि का पहला पत्ता कौन है? कृष्ण वाली आत्मा। तो जब तक पहला पत्ता ही संपन्न नहीं बना, जो जगदम्बा का पाठ बजाने वाला है, ब्रह्मा के रूप में जगदम्बा का पाठ बजाया और अंत में महाकाली का पाठ बजाने वाला है, धर्मराज का पाठ बजाने वाला है, वो आत्मा जब तक संपन्न न बने तब तक सबका पुरुषार्थ अटका हुआ है। बीज अपने में कुछ नहीं है। बीज जब तक धरणी का आधार नहीं लेता तब तक वृक्ष नहीं बन सकता। बीज सुप्रीम सोल आत्मा भी है,
परंतु वो सुप्रीम सोल जब तक इस सृष्टि में साकार में ना आए तब तक कुछ भी नहीं, जीरो, जीरो की कोई वैल्यू नहीं होती। और जगदम्बा की सोल पुस्तमा की सोल दो आत्मा थे जगदम्बा है डब्बा और उसमें प्रवेश करके पार्ट बजाने वाली या मूल आत्मा है ब्रह्मा जिसने सहन शक्ति का पार्ट बजाया। माँ का विशेष पार्ट क्या होता है? सहन शक्ति धारण करना। ये सहन शक्ति का विशेष पार्ट जगदम्बा ने नहीं बजाया, आदि में भी नहीं बजाया, मध्य में भी नहीं बजाती और अंत में जब सारी शक्ति का विनाश होगा तो प्रकृति माता कहो, जगदम्बा कहो, पृथ्वी माता कहो, वो सारी शक्ति का विनाश का कार्य करेगी, सहन नहीं करेगी। इसलिए मुरली में बोला है वास्तव में ये ब्रह्मा तुम्हारी जगदम्बा है परंतु तन पुरुष का है। इसलिए माताओं कन्याओं के चार्ज में ओम राधे सरस्वती को निमित्त बनाया गया। वास्तव में वो टाइटल मात्र है जगदम्बा का। तो असलियत में वास्तविकता में वो कौन सी आत्मा है जो जगदम्बा है? सारे जगत को प्यार देने वाली है, सारे जगत के जो भी असुर देवात्मा या मनुष्य आत्मा के रूप में बच्चे हैं उन सब को सहन करने वाली है। कौन है? है? कौन? ब्रह्मा। हाँ जी, नाम ही है ब्रह्म माने बड़ी और माँ माने माँ, तो दूसरा नाम है जगदम्बा। और तो आत्मा के बीच में ग्यारह का पाठ बजाने वाली जो है रामबद आत्मा है, आत्मा के बीच में, आत्माओं के बीच में ग्यारह का पाठ बजाने वाले उनको सबसे बड़े पाठ नहीं होता है ज्ञान सूर्य के रूप में पाठ बजाने वाला, तो ज्ञान सूर्य शिव ही है। सूर्य कभी अंधकार में नहीं जाता, जाता है नहीं जाता, और राम वाली आत्मा तो अंधकार में भी जाती है। जैसे कृष्ण की आत्मा अंधकार में जाती है, राम वाली आत्मा भी अंधकार में जाती है। बाबा वैज्ञानिक कहते हैं सूर्य से बड़े बड़े स्टार्स होते हैं, क्या होते हैं? ये ऐसा कहता है, वो वैसा कहता है, उन्होंने ऐसा कहा, उन्होंने वैसा कहा, ये इधर उधर बुद्धि क्यों जाती है जब तुम्हें भगवान मिल गया तो? इतने बच्चों को पढ़ाया जाता है दुनिया में, बच्चों को पढ़ाया जाता है विज्ञान में। हाँ, दुनिया वालों को पढ़ाया जाता है, गांगली पढ़ाई पढ़ाई जाती है, गॉडली पढ़ाई पढ़ाई जाती है। बहुत विश्वास है गांगली पढ़ाई पर। विश्वास नहीं है, विश्वास नहीं है, लेकिन सभा में सुनाने की जरूरत है। अच्छा, जो मुरली में जो बताते हैं जो ये ब्रह्मा को याद करना नहीं है, अच्छा इसलिए हम लोग अमृत वाला उठ करके भी याद करते हैं, अमृत वाला उठ करके अमृत वाला उसकी याद करते हैं, उसमें कोई घाटा हो गया क्या? किसको याद करते हैं? ब्रह्मा को। जब बाबा को याद करते हैं उसके तो फोटो त्रिमूर्ति का है, हमने त्रिमूर्ति का फोटो भी है, मूर्ति का फोटो है। अरे एक को याद करना है या तीन मूर्तियों को याद करना है? एक को याद करते हैं, लेकिन सामने में तो ब्रह्मा को
सामने ब्रह्मा बाबा आ जाता है। त्रिमूर्ति है, त्रिमूर्ति घर में तीन मूर्तियाँ तो है, लेकिन तीन मूर्तियों में उत्तम, मध्यम और कनिष्ठ मूर्तियाँ दिखाई गई है तीन तबकों में। तीन तबके किस लिए दिखाए हैं? ऊंचे से ऊंची मूर्ति की स्टेज कौन सी है, मीडियम कौन सी मूर्ति है, और साकारी दुनिया की तरफ कौन सी मूर्ति है? जो है ही साकारी दुनिया की ओर, उसमें बुद्धि लगाएंगे तो क्या बनेंगे, साकारी बनेंगे या निराकारी बनेंगे? साकारी ही बनेंगे। ओ ब्रह्मा कुमार कुमारियां, ब्रह्मा को ही याद कर रहे हैं तो अंत मके तो गति क्या होती है, हार्ट फेल हो रहा है या नहीं हो रहा है? आजकल के साधु सन्यासी जो है वो शंकर को फॉलो करते हैं, बड़ी बड़ी लंबी लंबी जटाएं रखाते हैं, और वो जटाएं एक दूसरे से उधर उलझ जाती हैं, बाल जटा का रूप धारण कर लेती हैं। मतलब ये है कि वो राम वाली आत्मा कहो या शंकर वाली आत्मा कहो अथवा व्यास वाली आत्मा कहो, द्वापर और कलयुग के भक्ति मार्ग में ज्ञान सूत उलझा हुआ रहता है, और वो ज्ञान सूत इस धड़ में उलझा हुआ रहता है या मस्तक में उलझा हुआ रहता है? ज्ञान का सूत्र जो भक्ति मार्ग में मुझा हुआ है वो मस्तक में मुझान है या शरीर के अंदर मुझान है? मस्तक के अंदर। तो कैसे दिखाए? इसलिए बाल दिखाई दिए हैं विश्वपिता को, और वो बाल जब ज्ञान गंगा के रूप में ईश्वरीय ज्ञान इस शक्ति पर आ जाता है, बाप मनुष्य शक्ति के पिता में प्रत्यक्ष होता है, तो वो जटाएं सुलझने लगती है। जैसे बाल धोने से बाल अलग अलग हो जाते हैं, एक एक बात क्लियर होने लगती है, ऐसे ही शंकर को उलझी हुई और सुलझी हुई जटाएं दिखाई गई है। जो आदि में गुरु माता थे भागीदार साथ में, तो दोनों बार जो अभी गुरु माता दोनों बार पहला माता बजे है ना दूसरा माता बजे दोनों पर जो आदि में गुरु माता था थे भागीदार थे, तो उसने गुरु माता पांच बजे पहला माता जो कभी पांच बजे है ना दूसरा माता बजे पहला माता जगदम्बा पाठ बजाय माता जगदम्बा पाठ बजाय पहला माता कौन जो सुनने और सुनाने का जो पाठ बजाया और प्रैक्टिकल जीवन में धारण करने कराने का जो पाठ बजाया आज में भी था, और वो पाठ अंत में भी प्रत्यक्ष होता है संपन्न रूप में। हाँ जी, सुनने सुनाने का पाठ जगदम्बा का ज्ञान सुनना और सुनाना, ये कोई बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात क्या है? ज्ञान को सुनने सुनाने के साथ साथ समझना, समझना और समझाना, और साथ साथ धारण करना और दूसरों को धारण कराना, तब लक्ष्मी बनेगी। नारी लक्ष्मी कब बनेगी?
सिर्फ सुनने सुनाने से लक्ष्मी बन जाएगी क्या? कब बनेगी है? समझे भी समझाए भी और साथ साथ धारण भी करें और दूसरों को धारण कराए, प्रैक्टिकल जीवन में अनुभव में आना चाहिए। और कोई आदमी शरीर त्याग करता है तो उसको स्मशान ले जाते हुए कहते हैं राम नाम सत्य है हरि नाम सत्य है, तो राम और हरि एक ही व्यक्तित्व है ना और अलग है? इतनी एडवांस ज्ञान की पढ़ाई इतने वर्षों तक पढ़ ली और अभी तक ये नहीं पता चला कि राम कृष्ण का जो व्यक्तित्व है वो एक ही है। राम हरि, हरि कहते हैं कृष्ण को और हर कहते हैं शंकर को। हरि और हर ये दो शब्द हैं। हरि शब्द कृष्ण तत्व के कहते हैं हरिद्वार और हर शंकर का सूचक है हर हर महादेव। तो ये दोनों आत्माएं एक ही पर्सनालिटी के द्वारा वास्तव में कार्य करती है या अलग अलग पर्सनालिटी के द्वारा संपन्न रूप में प्रत्यक्ष होती है? एक ही के द्वारा प्रत्यक्ष होती है। बाबा भक्ति करने का बात आप और सत्ता ज्ञान जानने का बात भी मुझे नीचे गिराई लगता है। नीचे गिर जाता हूँ, नीचे गिर जाता हूँ। अनिश्चय आता है तो निश्चय बुद्धि विजय से और अनिश्चय बुद्धि विनश्यते माने नीचे गिरना, विजय से माने ऊपर उठना। निश्चय अटल बना रहे तो पवित्रता मेंटेन होगी या नीचे गिरेगी? पवित्रता बनी रहेगी। अनिश्चय आने से ही यह पवित्रता बढ़ती है, इसलिए कहा जाता है निश्चय बुद्धि विजय से। इंद्रियों पर विजय होती है, माया पर विजय होती है और बाप के ऊपर ही अनिश्चय आ गया माने बच्चा मर गया, मुर्दा हो गया। तो नीचे गिरेगा ऊपर उठेगा? नीचे ही गिरना होगा। घड़ी घड़ी निश्चय, घड़ी घड़ी अनिश्चय, ये 84 जन्म को पार्ट को बिगाड़ने वाली बात है। बाबा कुंडली में शक्ति के लिए शंकर जो शेर का साल पहनने का उत्सव क्या है? शंकर को दिखाते हैं बाघ अम्बर, उन्होंने जो वस्त्र लपेटा हुआ है वो कौन सा वस्त्र लपेटा है? बाघ की खाल। इसका मतलब यह है कि उनका जो शरीर रूपी वस्त्र है वो ऐसा पुरुषार्थी रथ है जो शेर के मुआफिक पुरुषार्थ करने वाला है, शेर के मुआफिक छलांग लगाने वाला है, शेर के मुआफिक सामना करने की शक्ति वाला है, शेर के मुआफिक संसार रूपी जंगल में दहाड़ मारने वाला है। इसलिए उनको शेर की खाल लपेटे हुए दिखाया गया। कुंडली शक्ति कैसी? कुंडली शक्ति कैसी जागृत होगा? ये क्या होती है? ये बाप दादा की तो भाषा नहीं है। कुंडलिन जो हाँ ये क्या चीज होती है तो बताओ। मुरली में अद्वैत वाणी में तो कुंडलिन की शक्ति की बात नहीं आई है। आई है? नहीं आई है तो आपने कहीं से उठाई होगी। कहाँ से उठाई है? क्या बात है?
बाप बोलते हैं ना कुंडलिनी शक्ति, बाप बोलते हैं है? बाप ने तो नहीं बोला, भक्ति मार्ग में गुरु ने ऐसे बताया है कि कुंडलिनी एक सर्प के आकार की है जो रीढ़ की हड्डी के नीचे बैठी हुई रहती है, सोई पड़ी है और योगिक क्रियाओं के द्वारा उसको जागृत किया जा सकता है। ना आज तक किसी ने जागृत किया और न किसी को जागरण करा पाया। अगर कराया हो तुमने, देखा हो कोई तो बताओ, देखा है? नहीं नहीं। कहते हैं कुंडलिनी शक्ति जागृत होकर के 8 चक्रों में से पसार होती हुई अगर सहस्त्रासार में आखिरी चक्र में पहुंच जाए तो आदमी अमर हो जाता है। तो कोई अमर हुआ क्या? दिखाई पड़ा? ये कुंडलिनी शक्ति कोई चीज नहीं है। जो आत्मा की शक्ति है, प्योरिटी, जो अभी अपवित्र होकर के सोई पड़ी है, कहां सोई पड़ी है? है? कहां कुंडली मार के बैठा हुआ है वो सांप? काम इंद्रियों के नजदीक, वो जागृत हो जाए और वो शक्ति ऊपर चढ़ने की अभ्यासी हो जाए तो मनुष्य अकाल तख्त पर बैठने काबिल बन सकता है, अमर बन सकता है। काल सारी मनुष्य शक्ति को खाएगा, लेकिन जिन्होंने ये शक्ति जागृत कर ली, पवित्रता की शक्ति, उनको नहीं खाएगा। उनको कहेंगे प्रकृति जीत, प्रकृति के 5 तत्वों को जीतने वाले, माया जीत। इसलिए बाप ने सहज रास्ता बताया है और गुरुओं ने तो कठिन कठिन प्राणायाम और कठिन कठिन आसन बता दिए। यहाँ तो कोई कठिनाई नहीं है, सिर्फ कहते हैं अपन को ज्योति बिंदु आत्मा समझो और मुझे ज्योति बिंदु बाप को साकार में मुकर्रर रथ में याद करो, ताकि सैंपल सामने रहे कि ऐसा तीव्र पुरुषार्थ हमको भी करना है। बाबा को याद करो, बाबा कहा ही जाता है साकार निराकार के मेल को। ये कुंडलिनी शक्ति और ये शक्ति और अष्टचक्र और ये सब फालतू बातें हैं। जब बाप हमें पढ़ाई पढ़ाने आया हुआ है तो हम दूसरों की पढ़ाई हुई पढ़ाई बातें क्यों पढ़े जो हम 63 दिन हम पढ़ते पढ़ते नीचे गिरते आए। इधर लक्ष्मी का नाम पहले हो रहा है। छह महीने से ये प्रश्न चलता चला आ रहा है और 6 महीने से वो ही प्रश्न बार बार पूछे जा रहे हैं। इसका मतलब रोज का क्लास अटेंड नहीं हो रहा है। लक्ष्मी नारायण राधा कृष्ण सीता राम, इनमें शक्तियों का नाम पहले है और पांडव का नाम बाद में। माने देवी का नाम पहले है
और देवता का नाम बाद में, क्योंकि ये देवी देवताएं कहे जाते हैं। जो धर्म स्थापन होता है उसका नाम क्या पड़ता है, देवता देवी सनातन धर्म या देवी देवता सनातन धर्म? देवी देवता सनातन धर्म, क्योंकि पवित्रता की शक्ति को कन्याओं माताओं ने पहले धारण किया है और जाति धारण किया है। कन्याएं माताएं और पुरुष वर्ग, उनको अलग अलग मुरली में टाइटल मिले। बोला है कोई कोई कन्याएं माताएं सुपन खापूतना होती है, जो नरक का दरवाजा खोल के बैठ जाती है व्यभिचार का। बाकी भारत की मोस्टली कन्याएं माताएं शिव शक्तियां हैं, नरक का दरवाजा खोलने वाली है। आप भी विचारी जीवन पसंद करती हैं, पवित्रता को अपने जीवन में धारण करना पसंद करती हैं, और पुरुषों को साफ को बताया है दुर्योधन दुशासन, चाहे वो राम कृष्ण की ही आत्माएं क्यों न हो पुरुषार्थी जीवन में। तो जो पढ़ाई का मूल तंत्र है, मूल लक्ष्य है, वो पवित्रता है या और कोई चीज? पवित्रता। और उस पवित्रता को मेंटेन करने में शक्तियां सबसे आगे गई, देवियां सबसे आगे गई और देवत्व तो पद प्राप्त किया। तो देवियों का नाम आगे आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? है? जरूर आना चाहिए। बाकी रही शंकर पार्वती, इसमें शंकर का नाम पहले क्यों रख दिया और पार्वती का नाम पीछे क्यों कर दिया? इसलिए कर दिया कि और देवताओं के बीच में शंकर एक ऐसा पुरुषार्थी है जिसके तीव्र पुरुषार्थ के रिजल्ट के कारण उसका नाम शिव के साथ जोड़ा जाता है, और कोई देवता ऐसा नहीं है 33 करोड़ देवताओं में जिसका नाम शिव के साथ जोड़ा गया। और वो जोड़ा भी क्यों जाता है? क्योंकि शिव निराकारी दुनिया से साकारी दुनिया में आता है तो मुकर्रर रूप से एक ही रथ में विराजमान होकर कार्य करता है। जब एक ही रथ में दो आत्माएं हैं, एक शिव और दूसरा शंकर, और पार्वती में तो शिव की विराजमानता मुकर्रर रूप से नहीं दिखाई जाती, वो तो लास्ट में सिर्फ प्रैक्टिकल पार्ट बजाने मात्र के लिए है। आदि में भी प्रवेश नहीं, मध्य में भी प्रवेश नहीं, सिर्फ अंत में वैसे भी विश्व शक्ति नो विषयताल ऐसा प्रैक्टिकल जीवन लेकर के ब्राह्मण बच्चों के सामने प्रत्यक्ष होती है। लेकिन वो तब प्रत्यक्ष होती है जब शिव बाप का ज्ञान मुकर्रर रथ के द्वारा मिलता है, नहीं तो लक्ष्मी कहां से ज्ञान धन लाएगी? कहां से लाती है? नारायण से ही लाती है। इसलिए देवी देवताओं के पेयर जोड़ी का जब नाम लिया जाता है
तो लक्ष्मी का नाम पहले, सीता का नाम पहले, राधा का नाम पहले आता है। परंतु जहां भगवान भगवती की बात आती है वहां भगवान के रूप में सबसे एक ही साकार रूप है जो संसार में प्रत्यक्ष होता है, शंकर स्वयं देवता है, देवत्व पद पाने वाला है। परंतु वो तो बड़े से बड़े बच्चे में ही बाप प्रवेश होकर के भगवान का टाइटल दिलाता है। इसलिए भगवान भगवती शंकर पार्वती को कहा जाता है। भगवान भगवती में भगवती को आगे रखेंगे या भगवान को आगे रखेंगे? भगवान को आगे रखना पड़े। और देवी देवताओं, देवी देवता शब्द जब बोलेंगे तो देवी को आगे रखना पड़े या देवता को आगे रखना पड़े? देवी को आगे रखना पड़े। जो शक्तिशाली होता है, जो पावरफुल होता है, जैसे रवि जल पावक, ये शक्तिशाली तत्व है। सूर्य गंध को खा लेता है, सुखा देता है। ऐसे गंध को खाने वाले, सुखाने वाले सूर्य को कोई नीच नहीं कहता। अग्नि गंध को जलाए देती है, गंध को खा जाती है, भस्म कर देती है, अग्नि को कोई नीचे नहीं कहता। क्यों? क्योंकि उनमें ये शक्ति है। भक्ति मार्ग में भी कहते आए हैं, गुरु जो कहे सो करना है, गुरु जो करता है वो नहीं करना है। क्योंकि गुरु के पास तो जानकारी है, वो जानकारी शिष्यों के पास नहीं है। इसलिए बोला कि दो पार्ट है, एक करणहार और दूसरा करावनहार। करणहार का पार्ट किसके द्वारा बजाया? भूल गए? ब्रह्मा के द्वारा बजाया। बच्चों ने किया, बच्चे कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, ब्रह्मा ने नहीं देखा। क्या किया? बच्चे करें या न करें, लेकिन मुझे करके दिखा दे। तो वो हुआ करणहार का पार्ट। फिर बच्चों ने चलो अपनी मनमानी की, कुछ भी करते रहे, ब्रह्मा ने तो करके दिखाया। तो जिन बच्चों ने मनमानी की, ब्रह्मा को फॉलो ही नहीं किया और ही उल्टा किया, तो उन बच्चों को शिक्षा मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? नहीं मिलनी चाहिए, मिलनी चाहिए। फिर बाप अरबंगा रूप पकड़ता है और मुरली में बोल भी देता है, बच्चे तुम्हारा बाप आया हुआ है। वो है करावनहार पार्ट। खुद करेगा या नहीं करेगा? करेगा तो भी कोई अंतर नहीं पड़ता,
क्योंकि निराकारी स्टेज में किए हुए कर्म क्या बन जाते हैं? अकर्म बन जाते हैं। और नहीं करेगा तो भी कोई अंतर नहीं पड़ता। क्यों नहीं करेगा तो अंतर क्यों नहीं पड़ता? क्योंकि मुरली में बोला हुआ है, मैं जिस तल में आया हुआ हूं उसकी जिम्मेवारी मेरे ऊपर है। ये जो भी कर्म करता है, जो भी कुछ बोलता है, उसका जिम्मेवार कौन? शिव बाबा। तुम ये क्यों सोचते हो कि ये इसने किया या शिव बाबा ने किया? ये यह कहता है या शिव बाबा कहता है? तुम ऐसे ही समझो क्या कि शिव बाबा का डर है तो उसमें तुम्हारा ही फायदा है। अगर ये समझा कि इस देहधारी का डायरेक्शन है तो क्या होगा? उल्टे हो जाएगा। इसलिए बताया कि करणहार का पाठ दादा लेखराज ब्रह्मा के द्वारा करके दिखाया, क्योंकि बच्चों को देवता बनना है या भगवान बनना है? देवता बनना है। देवताओं का मुख्य गुण क्या होता है? सहनशीलता। तो बच्चों को तो सहनशीलता धारण करनी है। और जिस तन में प्रवेश करता हूं वह और उसकी विशेष सहयोगिनी शक्ति, ये दोनों का टाइटल तो भगवान भगवती का है। और भगवान भगवती सत्युग त्रेता में नहीं कहे जाते, कहाँ कहे जाते हैं? संगम युग में ही भगवान भगवती का टाइटल मिलता है। तो शिवोवाम ये कह करके जो फॉलो करे या करके फॉलो करे वो रंग हो जाता है, क्योंकि एक ही आत्मा का पार्ट है परमात्मा। क्या आत्माओं में पार्ट बजाने वाली कैसी आत्मा? परम पार्टधारी, हीरो पार्टधारी। बाकी सब नहीं आत्मा तो परमात्मा हो सकते। इसलिए बोला कि बाप करावनहार का पार्ट बजाए रहा है, बच्चों से करा के छोड़ेगा, खुद करे या न करे। बाबा जो अभ्यस्त बाप दादा ने साकार सूर्य धारण करके आए पृथ्वी पर जन्म हुआ कि नहीं? जब अभ्यस्त बाप दादा कहते हैं तो साकार बाप दादा कहोगे? ब्रह्मा वाली सोल सत्युग में जाकर के कृष्ण के रूप में जन्म लेगी या उसका 85वां जन्म होगा? इस दुनिया में जन्म होगा, जन्म होगा तो 85वां जन्म कहा जाएगा या 84वां कहा जाएगा? 85 जन्म होते हैं नहीं? उसके तो 8 जन्म सत्युग में, 13 जन्म त्रेता में, बाकी 63 जन्म द्वापर कलयुग में।
84 जन्म पूरे हुए। अब अगर वो आत्मा साकार रूप में जन्म ले तो रुद्रमाला का मणका बन जानी चाहिए, विजय माला में आ जानी चाहिए। फिर तो अपने शरीर से कंचन काया बनानी चाहिए या गर्भ में जन्म लेना चाहिए, क्या होगा? जैसे कि आत्मा गर्भ से जन्म लेगी या अपने पुरुषार्थी साकार शरीर को कंचन काया बनाएगी, कंचन काया बनाएगी है? कंचन काया वही आत्माएं बना सकती है जिन्होंने साकार बाप में साकार बाप को साकार शरीर से पहचाना हो। जिन आत्माओं ने साकार में आए हुए उस निराकार शिव को नहीं पहचाना, वो एडवांस में नहीं कही जा सकती। कहेंगे भी तो सिर्फ इंस्पिरेटिंग पार्टी वाला कहेंगे, वो प्रवेश करने वाली आत्माएं हैं, गर्भ से जन्म नहीं ले सकती। उनको जन्म तो अब सतयुग में ही मिलेगा क्योंकि वो प्रकृति के पांच तत्वों को योग बल से पावन नहीं बना पाती। और तुम बच्चे योग बल से प्रकृति के पांच तत्वों को पावन बनाते हो, इसलिए तुम इसी जन्म में इसी शरीर से अपने शरीर को कंचन काया बनाते हो। ये तो जन्म लेने वाली आत्माएं हैं सतयुग में। जन्म लेने वाली आत्माएं जन्म देने वाली जन्मदाता कैसे बनेंगी? जन्मदाता बन जाए फिर वो बीज रूप आत्माएं कही जाएंगी या आधार मूर्त जड़ें कही जाएंगी? तो बीज रूप हो जाए। पिछले अभिप्राय में बोला कि ब्रह्मा बाप ने यात्रा की थी और बाप ने भी यात्रा की थी, फिर बोला कि अंकल आंटी ने भी यात्रा की थी, अंकल आंटी तो अंकल आंटी को विष्णु चाचा है या नहीं है? शंकर ताऊ है या नहीं है? तो विष्णु चाचा है तो अंकल आंटी भी होगी। ऐसे तो मुरली में बताया है कि ब्राह्मणों की दुनिया में फैमिलियरिटी नहीं चलती है, बाति बाति के संबंध यहाँ नहीं होते हैं, सिर्फ एक चिटचैट है। यहाँ तो सिर्फ माँ बाप और बच्चे, दूसरा कोई संबंध नहीं। और बाबा मुक्ति का तीसरा मुक्ति प्रतीक होने के बाद 2 लेग्स का बोर्ड लग जाएगा है? मुक्ति का तीसरा मुक्ति प्रतीक होने के बाद 2 लेग्स नहीं, ऐसा नहीं बोला। ये बोला है अभी 2 लेग्स का बोर्ड नहीं लगा है, लेग्स का बोर्ड लगा है। 2 लेग्स का बोर्ड इसलिए नहीं लगा है कि जो अष्टदेव आत्माएं हैं उनमें से सिर्फ 2 आत्माओं के 5 प्रत्यक्ष हुए हैं, बाकी 6 आत्माएं अभी भी उनके 5 प्रत्यक्ष होने बाकी हैं। कोई भी नंबर ले सकता है, इसलिए 2 लेग्स का बोर्ड नहीं लगा है। जब 2 लेग्स का बोर्ड लग जाएगा तो धर्मराज की सजाएं खाने वाले निश्चित हो जाएंगे। लगने से पहले ही क्या खर्चा लेके आत्मा तैयार हो सकेंगे? 8 आत्माएं जो सजाएं नहीं खाती, 5वीं दानव होती है,
उनका पार्ट प्रत्यक्ष होना माना टू लेट का बोर्ड लंजन। बाबा एक काया कांतर का अर्थ क्या है बाबा? काया बनती है पांच तत्वों से, पृथ्वी जलवायु अग्नि आकाश का संघात है ये काया माने शरीर। और जो शरीर में पुरुषार्थ करने वाली आत्मा योगी आत्मा बन जावेगी, उसके वाइब्रेशन सात्विक होंगे या तामसी रजो प्रधान होंगे? सात्विक वाइब्रेशन होंगे। जिसके चारों तरफ वायुमंडल ही सात्विक हो तो तामसी प्रकृति या माया उसके ऊपर आक्रमण कर सकेगी? नहीं कर सकती। वो प्रकृति आत्माएं कहलाएंगी। जो प्रकृति जी का आत्माएं होंगी उनके पांचों तत्व शरीर के कोई न कोई तरीके से सुरक्षित जरूर रहेंगे। उनको आंच नहीं आ सकती, औरों को आंच आवेगी। कंचन का मतलब ये शरीर सुरक्षित रहेगा। कंचन का मतलब कंचन बनने वाला है। आत्मा के पांच तत्वों का जो सूक्ष्म शरीर है वो कंचन बन गया। वो सूक्ष्म शरीर किसी प्रकार की आपदा को नजदीक नहीं आने देगा। कंचन तो तब बनेगा जब बर्फ में सारी दुनिया दबेगी। और जो बर्फ में दबने के बाद जो जब कोई किसी का जो अंग नहीं है सर, किसी का टांग नहीं है, किसी का आंख नहीं है, अरे जिनका टांग नहीं आंख नहीं उनके ऊपर तो माया ने और प्रकृति ने आक्रमण कर दिया ना, उस लिस्ट में कहाँ आ रहे हैं? मान लीजिए कोई पुरुषार्थी है, पुरुषार्थी है और उसकी टांग कट गई, तो पुरुषार्थी वो अधूरा है या योग बल वाला है? योग का कवच मजबूत है या ढीला डाला है? अभी तो ज्ञान में अभी चल रहे हैं, अभी ज्ञान में चल रहे हैं और आखिरी ज्ञान में चलेंगे, उसमें अंतर नहीं होगा। लक्ष्मीकांत और लक्ष्मीधर, लक्ष्मी की कांति है जिसके पास, अर्थात लक्ष्मी की शोभा जिसके पास है। और लक्ष्मीधर माने लक्ष्मी को धारण कर लिया है जिसने। नारद ने नहीं धारण किया, किसने धारण किया? लक्ष्मी को धारण किसने किया? नारायण ने धारण किया। तो लक्ष्मी धर माने नारायण, लक्ष्मी कांत माने भी नारायण। क्या नहीं क्लियर हुआ? पूरा बीच में छोड़ क्यों दिया तुमने? खुद पे रह जाते हो, दूसरा प्रश्न कर देता है। हाँ बोलो। अगर जब किसी का अभी अंग नहीं है, शायद एक पैर नहीं है, अरे अंग नहीं है इससे साबित होता है संपूर्ण योगी नहीं है। शूद्र कुल का है ये बाद में वो जो जब बलि चढ़ाई जाती है देवी देवताओं पर तो संपूर्ण अंगों वाला खोजा जाता है या खंडित अंग वाली बलि चढ़ाई जाती है? बाबा इसका कोई फायदा नहीं है जो पुरुषार्थ कर रहे हैं अभी, बाबा के ऊपर पूरा निश्चय है। जिनको निश्चय होगा, जिनको निश्चय होगा उनकी विजय होगी या हार होगी? जिनको पहले से हार चुका है वीर बाबा के पास, जो हार चुका है उसकी तो बात ही मत करो यहाँ, उनका तो पद नीचा हो चुका। जो पांचवी मार से नीचे गिर गए, हार गए। नहीं बाबा, अभी हम देख रहे हैं ज्ञान में चलते जो आत्माएं आधार पर चल रहे हैं
उसके अंदर कुछ कुछ आत्माओं का ऐसा भी हालत है, किसी का आंख, किसी का पैर, किसी का हाथ का कुछ कुछ अंग ऐसे जो डिफेक्ट हुआ है। वो तो ब्राह्मण बनने से पहले ही हो गया। हाँ जी, हाँ। तो कंचन का जो पीरियड आएगा उन लोगों का वो जो शरीर का जो डिफेक्ट है वो ठीक होगा ना? वो नहीं होगा। ये कोई जरूरी नहीं है कि जो अंधा है वो कंचन काया बनाने का पुरुषार्थ नहीं कर सकता। जो बूढ़ा है वो कंचन काया बनाने का पुरुषार्थ नहीं कर सकता। फिर तो ईश्वरीय ज्ञान को दोष लग जाएगा। ये ईश्वरीय ज्ञान तो ऐसा है कि संसार में हर मनुष्य आत्मा को ईश्वरीय ज्ञान उपलब्ध हो सकता है। हाँ जी, उनका क्या गारंटी नहीं उस नॉलेज के आधार पर? पुरुषार्थ के आधार पर है वो हो सकता है क्या? पुरुषार्थ तीखा करेगा तो प्राप्ति करेगा, इसमें स्त्री पुरुष का भी सवाल नहीं है। यहाँ तो सवाल है आत्मा बनने का, आत्म की स्थिति धारण करने का। और प्रश्न आया, बाहर की दुनिया में जो इलेक्शन होता है उस इलेक्शन में हमको वोट देना है या नहीं देना है? वोट तो गुप्त दिया जाता है या प्रत्यक्ष दिया जाता है? गुप्त दिया जाता है। तो जो चीज गुप्त दी जा रही है उसमें हमने दिया या नहीं दिया या क्या किया किसी को पता चलेगा? तो हमें डर किस बात का? मनसा सेवा, मनसा सेवा और तनसा सेवा और धनसा सेवा। धन जिसके पास होगा वही तो धन की सेवा करेगा, करेगा कि नहीं? जिसके पास खाने पीने से मुहैया धन होगा तो धन की सेवा करेगा, करेगा। जिसके पास धन होगा ही नहीं, दो रोटी खाने के लिए ही धन नहीं है, तो धन की सेवा करेगा? नहीं कर पाएगा। ऐसे ही मनसा सेवा, मन जिसका पावरफुल होगा, एकाग्र होना माने पावरफुल होना, वो मनसा सेवा करेगा। मन एकाग्र है नहीं, घड़ी घड़ी चंचल हो रहा है। मन चंचल होता है तो दृष्टि पहले चंचल होने लग पड़ती है और कर्मेंद्रियां घड़ी घड़ी चंचल होने लग पड़ती है। फिर वो सेवा करेगा कि डिस्टर्बेंस करेगा? तो मनसा सेवा का पहला मूल मंत्र है मनसा एकाग्र होना। जितनी मनसा एकाग्र होगी उतनी बैठे बैठा ही सेवा होगी। चारों तरफ से आत्माएं स्वतः ही आती जाएगी सेवा लेने के लिए। जीवन में पहले 2004 के बाद जो पुरुषार्थ करेगा पुरुषार्थ कर रहे हैं, तू इधर आ गए। बोलो, और ये जब तक जीना है तब तक पीना है ये कहाँ चला गया वाक्य? है ये बोला है कि नहीं? जब तक जीना है तब तक पीना है, नहीं बोला? किसके लिए है?
उन ब्राह्मणों के लिए बोला है जो देवान में ही जीते हैं। जब तक देवान में जिंदा है तब तक उनको क्या करना है, है? ज्ञान अमृत पीना ही पीना है, दूसरा कोई उपाय नहीं है।